तुम कर क्या रहे हो? अच्छे से खाना खाना नहीं। तुम्हें मछली खाने में तकलीफ हो रही है ना? उसका मुंह उस तरफ है। साइमन जरा इनकी मदद कर दो। ठीक है मम्मी। वो मैं दरअसल पहली बार खा रहे हैं। जॉर्ज आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? स्पाइडर के कपड़ों में जो घूम रहा था उसे पकड़ा? नहीं अभी तक तो नहीं पकड़ा, पर जल्दी पकड़ लेंगे। वो नौसिखिया है, चुपके से आधी रात को लोगों पर हमला करता है। वो बेढंगा है, सुराग छोड़ जाता है, पर फिर भी उसे खतरा तो है। वो लोगों पर हमला करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने टीवी पर देखा था वो जो उसने गाड़ी चुराने वाले को पकड़ा था, और ज्यादातर हर कोई यही कहता है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। बहुत बार लोगों की सोच गलत होती है। अगर मैं गाड़ी चोर को पकड़ना चाहूं तो जब चाहूं पकड़ सकता हूं। तो पकड़ा क्यों नहीं? मैं तुम्हें समझाता हूं। गाड़ी चोर हमें उन लोगों तक ले जा रहा था जो ये गिरोह चलाते हैं। ये पिछले 6 महीनों से चल रहा है, इसे रणनीति कहते हैं। अब ये मत पूछना कि रणनीति का मतलब क्या होता है। जी बढ़िया। मतलब उसे आपके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था? तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तुम ऐसा कुछ जानते हो जो हम नहीं जानते। वैसे तुम तरफदारी किसकी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पर वीडियो देखा था। तुमने इंटरनेट पर वीडियो देखा, यानी फैसला हो गया। चलो केस बंद कर देते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार देख लें। मतलब सुनो, ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी मदद कर रहा हूँ। इंटरनेट पर उसे ऐसे पेश किया गया है जैसे वो कोई नकाब पहना हुआ हीरो। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हीरो है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो शायद पुलिस भी नहीं कर सकती। तुम पुलिस पर शक कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें क्या लगता है। पुलिस स्टेशन में बैठकर हम ताश खेलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, चाय पीते हैं, हम मुफ्त की पगार लेते हैं? तुमने समझ क्या रखा है? जॉर्ज आप लोग ताश खेलते हो? हावर्ड उसका मकसद भी वही है जो आपका है सर, मासूम लोगों की हिफाजत करना। मेरा मकसद है कानून की हिफाजत, जिसे मैं अपना फर्ज समझता हूँ, जिसके लिए मुझे वर्दी मिली है। वो नकाब पहनता है जैसे कोई गुनहगार हो, और वो ऐसे मुजरिमों का शिकार करता है जो एक से दिखते हो मानो उनसे उसकी कोई जाती दुश्मनी हो। वो कोई मासूम लोगों की हिफाजत नहीं कर रहा मिस्टर पार्कर। चलो बाहर चलते पीटर, डैड आपसे बाद में बात करनी है। हाँ जरूर करेंगे। मुझे खाने पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये मछली बहुत टेस्टी थी। थैंक यू। यू वेलकम। डैडी। हाँ। तो क्या कह रहे थे तुम? सॉरी, पल भर के लिए ऐसा लगा कि वो मुझे अंदर कर देंगे। मेरे होते हुए तुम्हें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे चेहरे को हर बार क्या होता है? तुमसे कुछ कहना है। ओ, कहो। मुझे कुछ हुआ है। मुझे भी कुछ हुआ है। ठीक है, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, और ये बात उसी गाड़ी चोर के बारे में है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ओह अच्छा। क्या? नहीं, देखो उसे छोड़ो, भूल जाओ। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला, मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहता हूँ? काश मैं बता सकता कि मैं तुम समझ रही हो ना। कह दो। कैसे कहूँ? क्या हुआ बोलो ना। ठीक है जा रही हूं मैं। तुम स्पाइडरमैन हो? पापा तुम्हें अंदर बुला रहे हैं इसी वक्त। ओके चलो। हाँ ग्वेन आ रही हूं। हाँ।